नव वर्ष पर गीता संदेश यात्रा 6 स्थान से निकाली जाएगी मोर मुकुट। श्रीमद्भागवत गीता जयंती के अवसर पर डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 9 अप्रैल 2024 को नववर्ष मनाने पर नगर के आम जनमानस को जागरूक किया जाएगा। मोरमुकुट ने अपने संबोधन में कहा कि घर घर की गीता स्थापना व गीता ज्ञान यज्ञ का संदेश भेजकर आम जनमानस को जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर के शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सांस्कृतिक के नववर्ष पर पिछले वर्ष की तरह कानपुर महानगर में 6 स्थान से गीता संदेश के साथ नववर्ष मनाने की शोभा यात्रा निकालने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सिद्धनाथ मंदिर के द्वई नगर विथुर कल्याणपुर नौक्सा व पनकी मंदिर के नववर्ष की यात्रा निकल कर जेके मंदिर पर समाप्त होगी। जेके मंदिर में भव्य भजन संध्या व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया है। प्रांत संयोजक अमरनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि हर घर में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इसमें प्रमुख रूप से बलराम सिंह, के शुक्ला, दिलीप राजपूत, भानु प्रकाश शुक्ला, दिलीप राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। स्वैच्छिक दुनिया के लिए विशेष संवाददाता बलराम सिंह की खास रिपोर्ट। पिछले की बात है, पिछले वर्ष में बहुत विशाल यात्रा निकली, कम से कम 70 गाड़ियां पूर्वी से थी और पश्चिम से करीब लगभग करीब 50 गाड़ियां थी। उनकी यात्रा सीधा जेके मंदिर पे गई थी और एकत्रित होकर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम लोगों ने प्रस्तुति की थी। उसके बाद विशाल यात्रा को वहाँ पे संपूर्ण विराम दिया गया था। लगभग कम से कम यात्रा में 1500 गाड़ियां करीब उपस्थित थी उस गाड़ी। उसके बाद जब हम लोगों ने यात्रा को कंप्लीट किया, उसके बाद जो भी यात्रा वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे बरुण भाई साहब भी थे, हमारे मोर मुकुट जी, श्री अमरनाथ जी थे और जितने भी संरक्षक मंडल के सदस्य सभी लोग उपस्थित, लगभग 2000 से 2500 गीता प्रेमी वहाँ पे उपस्थित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य घर घर में गीता पहुँचाना। आजकल जैसे हम लोगों में रामचरितमानस का पाठ होता है, जैसे सुंदरकांड का पाठ होता है, उसी तरीके की एक जो हम लोग गीता का एक पाठ हर घर में पहुंचाएंगे, गीता स्वाध्याय को हर घर में पहुंचाने का हमारा यही उद्देश्य है। संस्कार मिले हर बच्चों को और ये पता चले कि ये गीता जो है पूरी तरीके से हमारे घर में, हमारे आसपास के लोग और जितने संपूर्ण कानपुर के घर घर में पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है और कोई